बोलना पड़ेगा, वर्क प्रोफाइल तो काफी अच्छा है तुम्हारा, और कुछ होटलों में इंटर्नशिप भी किया आपने। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सर, आपके मुंह से ये सब बातें सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे एक मिनट रुको, लेकिन ये जेंडर कॉलम में तुमने गे क्यों लिखा है? क्या बकवास है? एक्चुअली आई एम गे, और पहले जहाँ इंटर्नशिप करता था, जब उन्हें ये बात पता चली कि मैं गे हूँ, तो मुझे बीमार कहकर वहां से निकाल दिया। अरे अच्छा हुआ तुझे निकाल दिया, और अगर तू ये मेंशन नहीं करता तो मुझे तो पता भी नहीं लगता, और तुझे नौकरी पर रख के मैं फंस जाता। और तेरे जैसे बीमार आदमी के लिए ना, मैं अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन नहीं गिराऊंगा। निकल यार यहां से, पकड़ी दे। लेकिन सर मैं भी तो बाकियों की तरह नॉर्मल इंसान ही हूं ना। हाँ भाई तू तो नॉर्मल है, अरे बेवकूफ और अबनॉर्मल तो हम है। वेटर छोड़, तुझे यहां झाड़ू दिखाने के लिए रखूं मैं? हे यार मेरे से ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहां से। तेरे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए मेरे पास तो नौकरी नहीं है। लेकिन सर मेरी भाई है, लेकिन वेकिन यहां मत कर, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? यहां से निकल, या गार्ड को बुलाऊं? अरे दफा हो। क्या पनौती बुला ली सुबह सुबह? अरे अगले को भेजो। थैंक यू। तू यहां क्या कर रहा है? अरे वो भी मेरी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में। मैं यहां पे खाना खाने आया हूं, ना कि तेरी शक्ल देख के उल्टी करने। रुक, तुझे मैं बताता हूं। अन्नू सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है मुझे। तेरी जॉब तो मैं करवाऊंगा अभी, तू दो मिनट रुक। अन्नू क्या हुआ यार, चिल्ला क्यों रहा है? खाना पसंद नहीं आया क्या? बात खाने की नहीं है, तू मेरी दोस्त होके इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? तुझे पता है जिसे तूने नौकरी पर रखा हुआ है ना वेटर की, वो एक गे है। और गे लोग ना पनौती होते हैं, और जिसकी जिंदगी में जाते ना उसको लेके डूबते हैं। तू यहाँ पे एक महीने से मुझे झूठ बोल के काम कर रहा है? अगर गे होने पे इतनी शर्मिंदगी है तो किसी छत से क्यों नहीं कूद जाता? वैसे भी जिंदा रह के उखाड़ के लिया तूने। ओ मैम मैं डर गया था, मुझे लगा मैं आपको सच बता दूंगा तो कहीं इस जॉब से भी हाथ ना धो बैठूं। अच्छा डर गया था? दूर रह हमसे, और मैं तुझे जॉब से निकालती हूँ इसी वक्त। लेकिन मैम गेट लॉस्ट। I'm so sorry यार, मुझे नहीं पता था कि वो गे है। मैं किसी और वेटर को बोल के तेरा खाना चेंज करवा देती हूँ। अरे मल्होत्रा क्या बात कर रहा है यार, 8% में? भाई मैं तो नहीं बेचने वाला 8% में। मैं तेरे जैसे बहुत सारे आए हैं, कोई 7 लगा रहा कोई 8 लगा रहा है, नुकसान तो मेरा है ना। वैसे एक बात सुन, आज ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है, और देखो क्या रेट लगाता है वो, आखिर पता तो लगे उसके कुएं में पानी कितना है। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे अंदर किसने आने दिया? अच्छा तो तू यहां ये सूट बूट पहन के आया है? देख मेरे भाई, इन सूट बूट पहनने से कुछ नहीं होगा, तू मर्द नहीं बन जाएगा इससे, तू रहेगा वही जो तू है। रुक अभी सिक्योरिटी बुलाता हूं। सेवेंटी % शेयर्स खरीद रहा हूं आपकी कंपनी के, और अमाउंट आप खुद भर ले रहे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 70%? और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकता है? तू तो एक गे है। चश्मा लगाकर देखिए सर, मैं वही हूं जिसे आपने दो दो बार बीमार कहकर नौकरी से निकलवा दिया था, और आज जब एक गे आपसे बड़ा इंसान बन गया है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों? हम गे लोग काबिल नहीं होते, या सिर्फ आप लोगों को हक है ये जिंदगी जीने? सही कहा तुमने,
तुम्हारी काबिलियत को मैं एक बीमारी का नाम दे रहा था और अपनी नाकामी को छुपा रहा था। तुम्हारी कम्युनिटी से नफरत करते करते शायद मैं ये भूल गया कि तुम बेशक से गे हो, लेकिन आखिर में जाके हो तो तुम एक इंसान ही ना। अरे जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का सभी को है, चाहे वो गे हो, ट्रांसजेंडर हो या लेस्बियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तुमने अपनी सफलता से ना ये साबित कर दिया कि अगर इस दुनिया में कुछ चीज मायने रखती है ना, तो वो इंसान की मेहनत है। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जैसा भी बिहेवियर तुम्हारे साथ किया। अब बात ये है सर कि आप सॉरी तभी बोलना जब मैं आपका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद लूँगा। आज के लिए 70% स्टेक्स काफ़ी हैं। और हाँ, ये रखिए पूरे 2000 रुपये शगुन के तौर पर, इससे शायद आपको कम नहीं जाऊँगा।